Hello friends, welcome to my channel Nanna Share Academy. Today we are going to take percentage from maths chapter. Till yet we have not touched math. Today we are going to touch with math. Okay, first we will write percent. The word percent. P-E-R-C-E-N-T percent. तो आप अब यहाँ पे पर का मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे पर का मतलब है एवरी, ई वी ई आर वाई एवरी, और एक सेंट का क्या मतलब है? सेंट का मतलब है 100. इसका मतलब वो परसेंट का मतलब हुआ एवरी नंबर आउट ऑफ 100. हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज की मेरी सैलरी है 100 रुपए, ठीक है. अगर मेरी सैलरी 100 रुपए है तो क्या करा गवर्नमेंट ने, मेरी 20% डिडक्ट कर दी, 20% डिडक्ट कर दी, ठीक है. 20% डिडक्ट कर दी तो मतलब कि 100 माइनस 20, तो आंसर क्या आया? 80 आ गया, मतलब कि आज मेरे को 80 रुपीज मिले. तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिनसे हमारा डेली लाइफ में यूज होता है. वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में हम क्या पीते हैं? लेमन जूस पीते हैं. क्या पीते हैं? लेमन जूस, एल ई एम ओ एन जूस, J-U-I-C-E, लेमन जूस पीते हैं. वो किस किस का बना है? पहला है उसमें साल्ट, साल्ट प्लस शुगर, S-U-G-A-R, शुगर. जैसे कि हम जब लेमन जूस बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1 चम्मच साल्ट लो या 2 चम्मच शुगर लो. तो जैसे कि मैंने ले लिया 1 चम्मच तो साल्ट ले लिया, और 4 चम्मच ले लिया मैंने शुगर के, तो इसको रेशियो में पुट कर दो, तो ये क्या बन गया? 1:4 का रेशियो बन गया. अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है. इसमें परसेंटेज यूज क्यों होगा? हमें तो बस 1 चम्मच साल्ट डालना है, 4 चम्मच शुगर के डालने हैं, और थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, हमारा लेमन जूस बन गया. तो इसमें परसेंटेज यूज क्या है? हाँ, इसमें परसेंटेज की यूज ये है कि 1 चम्मच में से कितना परसेंट डालना है, या कितने चम्मचों में से कितना परसेंट चम्मच डालनी है अभी. तो हम अगर हम इसको परसेंटेज में बनाना है तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. किसमें करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले है हमारा साल्ट का, तो साल्ट का अब हमें फ्रैक्शन बनानी है. फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा. 1 + 4 = 5. तो मतलब कि अब साल्ट की जो सी फ्रैक्शन है वो कितनी आ गई? 1/5. और जो सी शुगर की है, शुगर की कितनी आ गई? 4/5. ये दोनों इनके फ्रैक्शन आ गए. अब हमें निकालना है कितना परसेंट. तो अब हम परसेंट कैसे निकाल देंगे? 1/5, ये हमारी साल्ट की है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. हमने मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा? हमने ये इसके लिए करा क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है एवरीथिंग आउट ऑफ 100. तो अब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 20%. 20% आ गया, मतलब कि हमने जो साल्ट है उसका 20% करा. और अब हम लेते हैं शुगर. शुगर है 4/5 × 100. ओके, अब इसको कट 1, यहाँ पे 20 इक्वल्स टू 80, मतलब 80% आ गया हमारा. कितना आ गया? 80% आ गया, मतलब कि हमने शुगर का 80% यूज करा. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है. हम अगले वीडियो में और भी अपनी जो डेली लाइफ है उस पे परसेंटेज को यूज करके देखेंगे. तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती हुई, और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें. बाय बाय.